नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में क्राइम को लेकर, बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर सियासत लगातार जारी है। अब महुआ से विधायक और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी इसको लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। पहले आप सुनिए कि तेज प्रताप यादव क्या कुछ कहते हैं। केवल वैशाली नहीं, पूरे बिहार का ये स्थिति बना हुआ है, क्राइम पूरा बढ़ा हुआ है, मॉब लिंचिंग भीड़ का हिस्सा लोग बन रहे हैं। हाँ, तो सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, जो सरकार में है सरकार नियंत्रण करे। सरकार तो अपने सोई हुई है ना, इनसे सरकार चल नहीं रहा है, प्रशासन का लोग नहीं चल रहा, अफसर इन पे हावी हुए जा रहे हैं, थाना पुलिस कहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। तो फिर चाचा का क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में चाचा गोल हो गए हैं, 0/0, 0/0 आ गया उनको। इस बार नजर नहीं आएंगे क्या? उनका क्या स्वरूप होगा इस बार, क्या होगा? स्वरूप तो उनका खत्म हो गया ना, जो उन्होंने किया अपना कारनामा, तो स्वरूप उसी दिन खत्म कर दिया। और आपके द्वारा एक मेडिकल कॉलेज अपने विधानसभा क्षेत्र में, 450 करोड़ का मेडिकल कॉलेज का जो हमने वादा किया हमने पूरा किया, हमने देने का काम किया महुआ को। सरकार में न रहने के बाद भी आपने पूरा किया? हम तो सरकार में जब थे तभी से हम लोग का प्रकरण चल रहा था, और एज अ महुआ के विधायक होने के नाते हम रात दिन सदन से भी हर एक जगह से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे कि महुआ में मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे, और हमने करके दिखाया, पास कर दिया। अच्छा, इस बार भी लालू राबड़ी मोर्चा विधानसभा चुनाव में रहेगा नजर आएगा? कैसा मोर्चा, कैसा मोर्चा, हम तो नहीं जानते किसी मोर्चा को। तो आपने सुन लिया, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पूरे बिहार में क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पुलिस प्रशासन का रवैया जो है काफ़ी सुस्त है। वहीं उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा कि जब वो सरकार में थे तभी से इसका प्रयास करते रहे हैं, और उनके प्रयास से आज वो सरकार में नहीं है तो भी मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। वहीं इस दौरान तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार जो है वह अब 0/0 हो जाएंगे, अब बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा अगले साल उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, उनका अस्तित्व अब खत्म होने के कगार पे है। आप बने हैं लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।